नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस से लिए गए हैं। दोस्तों, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 दोस्तों हम पहले करा चुके हैं। दोस्तों, यह मैथ के क्रैश कोर्स का 8वां वीडियो है। आप सारे पार्ट को दोस्तों जरूर देखिए, सारे वीडियो को जरूर देखिए। और जिस प्रकार से दोस्तों आपके सिलेबस में चैप्टर मेंशन किया है, वैसे वैसे हम यहां पे दोस्तों आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, सारे चैप्टर कंप्लीट करा रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस पार्ट में कराएंगे दोस्तों, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिस प्रकार के प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उनको शॉर्ट ट्रिक से आंसर दिया जाता है, बिना पेन उठाए आंसर कैसे दिया जाता है, सेकंडों में कैसे आंसर दिया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों ये आपका पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, मयंक एक पेन 750 रुपए में बेचता है और 50% लाभ कमाता है, 50% हानि पाने के लिए उसे इस पेन का को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे पार्ट 1 में भी प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं और ये सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दोस्तों रेलवे एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट कर चुका प्रश्न है। देखिए आसान तरीका बता रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये 750 रुपए में क्या है दोस्तों, पेन को मयंक बेचता है और बोल रहा है 50% का लाभ कमाता है। 750 रुपए में जब बेचता है तो क्या होता है, 50% का लाभ कमाता है और बोल रहा है 50% की हानि पाने के लिए इस पेन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 50% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, 150%। बताया हूं ना पहले आपको, परसेंटेज में भी बताऊं, यहां पे भी समझा रहा हूं। 150% का वैल्यू क्या है दोस्तों, यानी मूल्य क्या है दोस्तों, 750 रुपए है। 150% बराबर दोस्तों क्या है, 750 है और बोल क्या रहा है दोस्तों, 50% हानि। 50% हानि का मतलब दोस्तों क्या होगा, 100 में से 50 कम करेंगे तो 50% होगा, यानी 50% का मूल्य क्या होगा ये बोल रहा है। ठीक है, अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% का मान निकालते, लेकिन यहां पूछ रहा है 50% हानि। 50% हानि का मतलब 50% का मूल्य दोस्तों क्या होगा। देखिए 150% बराबर 750, तो 50% बराबर क्या होगा दोस्तों, 750 बटा का 150 और गुने ये क्या होगा दोस्तों, 50। कितने परसेंट की मान निकलना है, 50% की मान निकलना है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, 50 थिया 150 और 3 से 75 कटेगा, 25 थिया 75 यानी 250। आंसर क्या होगा दोस्तों, 50% का मान क्या होगा दोस्तों, 250। यानी 50% की हानि के लिए उसे इस वस्तु को यानी कि उस पेन को 250 रुपए में बेचना चाहिए। तो देखिए 250 रुपए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आते हैं। देखिएगा अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ भी रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रश्न 5 से 7 बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, 5 से 7 बार, और प्रश्न में कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट अभी बन गया है, ज्यादा बार पूछा गया है इस वजह से। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपए है और उसे 15% लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। उसकी लागत मूल्य दिया है दोस्तों क्या, 26 रुपए दिया है, बोल रहा है 15% लाभ पे बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 15% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, 115%। तो 26 का 115% कैसे निकालेंगे, 26 × 115/100, 115% का मतलब 115/100। समझ रहे ना ये चीजें। अब चलिए ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको कटा लीजिए, 5 से कटाएंगे तो 20, 25, 100 और ये क्या हो जाएगा, 5 × 10, 5 × 15, 23, 25, 115 होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा और इसे छोटा कर लीजिए, ये 2 से कटाएंगे तो 2 × 20 और ये 2 से कटेगा तो 13 × 26 होगा। समझ में आया। अब 13 × 23 करेंगे तो क्या होगा, 13 × 39 का 9 हासिल, 3 × 13 × 26, 26 × 3 हो जाएगा और ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, और बट्टा का ये यहाँ पे 10 है तो इसे हम 10 लिख देंगे और 10 से जब भाग करेंगे तो दोस्तों ये क्या होगा बताइएगा, ये होगा दोस्तों 29.9 रुपए। क्या होगा दोस्तों, 29.9 रुपए। देखिए किस ऑप्शन में है, विक्रय मूल्य क्या होगा, 29.9 रुपए। देखिए 29.9 रुपए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में
जाएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को आप नोट भी जरूर किया करिए। और यहाँ पे हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए। आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों एग्जाम में, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा देंगे आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मन लगा के प्रिपरेशन करना है, डेली अच्छे से पढ़िए, डेली आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, ये हम आपको पहले भी बताए और लगातार बताते रहे ताकि आप इस बातों पे फोकस करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है दोस्तों, एक बेईमान डीलर का कहना है कि वह क्रय मूल्य पर अपने सामानों को बेचता है मगर 1 किलोग्राम के बदले 900 ग्राम के नकली वजन का इस्तेमाल करता है, उसके लाभ का प्रतिशत है, वो कितने परसेंट लाभ कमाता है ये बताना है। तो कर क्या रहा है दोस्तों, जो बेईमान डीलर है वो 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम दे रहा है और बोल क्या रहा है कि हम क्रय मूल्य पे वस्तु को दे रहे हैं, जितने में खरीदे हैं उतने में ही दे रहे हैं, लेकिन ये गर क्या रहा है दोस्तों, 1 किलोग्राम के स्थान पे 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं दोस्तों, 1000 ग्राम, और दे कितना रहा है दोस्तों, 900 ग्राम। तो बताइए दोस्तों, अगर 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए हो, 1000 ग्राम का मूल्य 1000 रुपए हो, तो 900 ग्राम का मूल्य क्या होगा दोस्तों, 900 रुपए होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये देखिए, 900 रुपए की वस्तु को ये कर क्या रहा है दोस्तों, बेच कितने में रहा है दोस्तों, 1000 रुपए में बेच रहा है। तो बताइए लाभ इसे कितने रुपए का हो रहा है, 100 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने पे दोस्तों, 900 पे, 900 ग्राम दे रहे हैं ना, तो 100/900 और गुने क्या होगा दोस्तों, 100%, ठीक है। तो अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100/9 का मतलब क्या होता है, 11/99, यानी 11 से ही 1/9%, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 11 से ही 1/9% किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप नोट जरूर कर लीजिए और आपको बताया हूं दोस्तों 4 कॉपी जरूर बना लीजिए, बना लिए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक मैथ की, एक रीजनिंग की, एक जनरल अवेयरनेस की और एक पतली कॉपी बना लीजिएगा साइंस की। चारों कॉपी बनाएंगे दोस्तों, एग्जाम के टाइम पे क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। अच्छे नंबर इसलिए आएंगे कि कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की रिवीजन कर लेंगे, तो कॉपी जरूर बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला दोस्तों यह प्रश्न है। यह प्रश्न दोस्तों लगभग 8 से 10 बार रिपीट किया है प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देख सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न हम बताते हैं, प्रश्न पहले पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए ज्यादा कुछ करने की दोस्तों जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ पे एक बार और देख लीजिएगा। एक व्यापारी क्या करता है, 25% अधिक अंकित करता है और 8% की छूट देता है और पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, मान लीजिए उस वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100 रुपए है, 25% अधिक अंकित करेगा तो कितना मूल्य हो जाएगा दोस्तों, 100 का 25% अधिक कर लीजिए, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 125/100, ठीक है, 125/100 का मतलब 125% अधिक कर दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 125 हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 125 हो गया, और 8% की छूट देता है। क्या करता है, 25 रुपए तो बढ़ा दिया, अब इसमें क्या कर रहा है, 8% की छूट दे रहा है, तो अब उसका लाभ क्या होगा बताइए, 8% का छूट का मतलब क्या होगा बताइएगा, 100 में से 8 घटाएंगे तो 92%, तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, 92% निकालेंगे, तो 92% निकाल लीजिए। देखिए 25 पच्चे 125 25 चौक 100 हो जाएगा और यहां पे देखिए 4 दुना के 8 4 3 12 और 23 25 दोस्तों क्या होगा, 5 3 15 का 5 ध्यान दीजिएगा और 5 दुना के 10 1 11 115 हो जाएगा। 115% का मतलब क्या होगा दोस्तों बताइएगा, यहां पे 115% नहीं सॉरी, यहां देखिएगा 115 हो गया मूल्य। देखिए मूल्य क्या था दोस्तों, 100 रुपए था
और बढ़ा दिया तो कितना हो गया 25%, 125 हो गया। जब 8% की छूट दे दिया तो कितना हो गया 115 हो गया। तो 100 रुपए पे ये कितना लाभ कमाया दोस्तों बताइएगा, 15 कमाया है। तो यानी 100 पे 15 कमाया है तो हम बोल सकते हैं ये 15% का लाभ कमाया है। देखिए 15% किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये एक लाइन का प्रश्न है, बस हम आपको समझाने के लिए दोस्तों इतना लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाए। 100 × 125 / 100 × क्या करते 92/100 कटा लेते, तुरंत आंसर आता है 115। 115 यानी 100 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, 15% का लाभ, यही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो कमेंट करके आप नीचे जरूर बताइएगा प्रश्नों को आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए दोस्तों, शेयर भी फटाफट कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो, और जो नए स्टूडेंट हो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट वीडियो दूं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अभी यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दे रहा हूं, फिर हम आपको दोस्तों बेसिक से पढ़ाएंगे, फिर से अभी आपको देखिए पूरी सिलेबस हम कंप्लीट कराने वाले हैं, अभी हम चैप्टर वाइज चैप्टर फिर से पढ़ाने वाले हैं, वहां पे क्या करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद से ज्यादा क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मन लगा के तैयारी करना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये पांचवा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों 7 से 8 बार क्वेश्चन रिपीट किया है। रेलवे एग्जाम में दोस्तों एक एक प्रश्न 15 से 20-20 बार पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं। तो इसीलिए कहता हूं दोस्तों प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप कवर करिए, और हम यहां पे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर, देखिएगा अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है, वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपए में मिली थी कितने दाम अंकित कि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहले मैं प्रश्न समझा देता हूं, प्रश्न समझ लेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्या करता है दोस्तों, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है, 10% की छूट देता है, और जो उसे 900 रुपए में मिली थी, मान लीजिए 900 रुपए में उसे खरीदा है और उस पर 10% लाभ भी कमाना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है दोस्तों उस दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदा 900 रुपए में और उस पर क्या कर रहा है दोस्तों 10% की छूट भी देना चाह रहा है और 10% का आप भी लेना चाह रहे हैं, तो उसका अंकित मूल्य कितना रखे, अंकित मूल्य कितना रखे कि उस पे 10% का छूट भी दे दे तो भी उसे क्या हो 10% का लाभ हो। ऐसे प्रश्न पिछले पार्ट में भी कराया हूं, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। 10% डिस्काउंट यानी छूट का मतलब क्या होगा दोस्तों, 90% मूल्य, और यहां पे 10% लाभ का मतलब क्या होगा दोस्तों, 110% मूल्य। अब यहां पे रूल ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला रूल आपको बताया हूं ना, यहां पे दो टाइप के फ्रैक्शन बनेंगे, एक होगा दोस्तों 90/110 और दूसरा होगा दोस्तों 110/90, ये दो टाइप के फ्रैक्शन बनेंगे। अब इसमें पूछा क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य 900 दिया है, जब क्रय मूल्य दिया हो और अंकित मूल्य पूछे तो बड़े वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, और जब अंकित मूल्य दिया हो दोस्तों और क्रय मूल्य पूछे तो क्या करेंगे छोटे वाले फ्रैक्शन से गुणा करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे क्रय मूल्य दिया है दोस्तों 900 रुपए दिया है, और देखिए अब क्या पूछ रहे हैं, अंकित मूल्य पूछ रहे हैं, तो बड़े वाले फ्रैक्शन से गुणा कर दीजिए, बहुत ही आसान तरीका है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा दोस्तों 110 और बटा का ये हो जाएगा 90, तो 90 दहा में क्या होगा दोस्तों 900 हो जाएगा, और 110 दहा में क्या होगा दोस्तों 1100 हो जाएगा, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा 1100 रुपए होगा। 1100 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी उस वस्तु का दोस्तों जब अंकित मूल्य 1100 रखा जाएगा और तो 10% का जब छूट दिया जाएगा तो भी क्या होगा दोस्तों 10% लाभ होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला यह प्रश्न है, और इस प्रश्न में कुछ भी है नहीं। देखिएगा क्वेश्चन यह है, एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार
6000 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। उसने उसे 7020 रुपये में बेच दिया। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, वो कितने परसेंट लाभ पाया, ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कितने रुपए में ख़रीदा है, 6000 रुपये में ख़रीदा है और 500 रुपये क्या किया है दोस्तों, मरम्मत पे किया, खर्च किया है। देखिएगा, 6000 रुपये में ख़रीदा है और क्या किया इस पर, 500 रुपये मरम्मत पे खर्च किया, यानी टोटल उसका क्रय मूल्य क्या हो गया दोस्तों, 6500 यानी 6600 रुपये हो गया। समझ रहे कि नहीं, देखिए 6000 में ख़रीदा है, 500 रुपये मरम्मत पे, यानी टोटल उसे खरीदने में यानी मरम्मत करा के कितने रुपये पड़ गया, 6500। तो ये क्या हो गया, 6500 दोस्तों आपका क्रय मूल्य हो गया। और बेच कितने में रहा है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7020 रुपये में। कितने में बेच रहा है दोस्तों, 7020 रुपये में। तो बताइए कितने रुपए का लाभ होगा, 7020 में से क्या करेंगे दोस्तों, 6500 घटा लेंगे, तो 7020 में से 6500 घटाएंगे, 520 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो देखिए लाभ क्या है, 520 है और क्रय मूल्य इसका क्या है, क्रय मूल्य 6500 है यानी 6500 है, तो लिख देंगे 520 बता 6500, ठीक है। और गुने क्या होगा दोस्तों, 100 परसेंटेज में आ जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे 20 है, ऊपर 20 है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 13×5 65 हो जाएगा और 13×4 52 हो जाएगा और 5×8 40 हो जाएगा, यानी आपका क्या आएगा दोस्तों, लाभ प्रतिशत क्या आ गया, 8% आ गया। ये 8% दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8% किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों हम सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हम यहां कवर कराएंगे। बस आपको क्या करना है दोस्तों, मन लगा के तैयारी करना है, डेली पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आप नीचे कमेंट करिए, उस कमेंट का आंसर हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर देंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं और इन प्रश्नों को दोस्तों आप नोट जरूर किया करिए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दोस्तों टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पर जाके सीसी मेकर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं, इन सब की पीडीएफ मैं वहां पर दे दूंगा, ठीक है। एक एक पीडीएफ नहीं दे पाता हूं तो एक ही दिन इकट्ठे दोस्तों जो पीडीएफ बनी रहेगी सारी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे दोस्तों एसएससी मेकर सर्च करके हमें फॉलो जरूर करिए, वहां पे भी आपके कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं तो आप वहां से भी हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया हूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 8 से 10 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। और आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं दोस्तों, एक लाइन में आंसर आएगा। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है दोस्तों, एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यापारी 10 रुपए की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपए में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, कितने परसेंट उसे मुनाफा होगा यानी फायदा होगा, लाभ कितने प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी क्वेश्चन आए इतने रुपए में इतने वस्तु खरीदे और इतने रुपए में इतने वस्तु बेच दिए तो लाभ कितना हुआ या हानि कितने परसेंट का हुआ, जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए दोस्तों आसान तरीका बता रहा हूं, समझिएगा। पहले देखिए, पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे वस्तु, ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, वस्तु, फिर क्या लिखेंगे दोस्तों, मूल्य लिखेंगे, ठीक है, वस्तु और मूल्य। अब यहां पे क्या लिखेंगे, पहले दोस्तों यहां पे नीचे लिखेंगे सीपी, क्रय मूल्य, पहले खरीदा है उसके बाद से क्या है दोस्तों, बेचा है, पहले बेचे भी बाद में खरीदे भी तो भी क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य फिर विक्रय मूल्य लिखेंगे, समझिएगा इसी को। अब वस्तु है यहां पे 10 रुपए में 11 नारंगी, यानी कितनी वस्तु खरीदा है, यहां नारंगी की जगह सेव, संतरा, आलू, प्याज कुछ भी दोस्तों दे सकता है, टॉफी, बिस्कुट कुछ भी दे सकता है, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है, यानी उसी लिए वस्तु मूल्य लिख दिए हैं ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। यहां पे 10 रुपए में 11 नारंगी खरीदा है, यानी कितने वस्तु खरीदा है, 11 वस्तु खरीदा है, कितने रुपए में दोस्तों, 10 रुपए में खरीदा है, समझ में आ गया। अब बेच क्या रहा है दोस्तों, 11 रुपए में 10 नारंगी, यानी कितनी वस्तु बेच रहा है दोस्तों, 10 वस्तु बेच रहा है, कितने रुपए में बेच रहा है, 11 रुपए में बेच रहे हैं, तो मूल्य के नीचे मूल्य लिख दिए। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 11 गुने 11 माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 10 गुने 10 और बटा 10 गुने
10, यानी कि 11 गुने 11 क्या होगा दोस्तों 121, और माइनस क्या होगा ये 10 गुने 10, ये वाला माइनस कर लेंगे, क्या होगा 10 गुने 10 का मतलब 100, और बटा का क्या लिखेंगे दोस्तों 100, समझिएगा यहाँ पे, ये हो गया, और गुने क्या लिखेंगे 100%, यह आपका आंसर आ जाएगा, लाभ या हानि का प्रतिशत आ जाएगा। देखिए 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और 121 में से दोस्तों जब 100 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 21, यही आपका आंसर होगा 21%। ये क्या आया है दोस्तों 21 क्या आया है, ये प्लस में आया है, ये 21 प्लस में आया है, तो 21% का क्या होगा दोस्तों लाभ होगा, यानी यहां लिखा है ना मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा 21% होगा। देखिए 21% किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। इस प्रश्न को दोस्तों नोट जरूर कर लीजिएगा, और इस टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ये संख्या माइनस में आई होती तो क्या होता दोस्तों हानि होती, ठीक है, यहाँ 21 आया है प्लस में आया है तो लाभ, ठीक है, प्लस में आता है तो लाभ, माइनस में आता है तो हानि, ठीक है, नोट इसे जरूर करिएगा। कैसे लिखेंगे, वस्तु मूल्य, 11 वस्तु खरीदा है 10 रुपए में और 10 वस्तु बेच रहे हैं 11 रुपए में, तिरिया गुणा कर लेंगे ऐसे 11 गुने 11 121 और माइनस 10 गुने 10 बटा 10 गुने 10 यानी कि 100 और गुने 100% यानी 21% का क्या हो गया दोस्तों लाभ हो गया, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा यह चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, पिछले पार्ट का, पार्ट फर्स्ट का दोस्तों यह चौथा क्वेश्चन है, उसमें दोस्तों हम इस प्रश्न को बेसिक से बता दिए थे और इसका ट्रिकी मेथड भूल गए थे बताना, तो यहां पे हम बता दे रहे हैं ताकि इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे ट्रिक बता देता हूं, बेसिक पहले वाले पार्ट में बताऊं तो क्वेश्चन को क्या करना है, पहले एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन ये है दोस्तों, एक आदमी दो घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपए में बेचता है, एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी पर 10% की हानि, उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए यहां पे दोस्तों जब कभी भी क्वेश्चन ऐसे हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी दो घड़ियों का विक्रय मूल्य क्या है 99 रुपए है, विक्रय मूल्य समान है और एक पे दोस्तों x% का लाभ और दूसरे पे x% की हानि, यानी कहने का मतलब है जितने परसेंट का पहले पे लाभ हो रहा है और जितने पर उतने ही परसेंट की दोस्तों दूसरे पे हानि हो रही है, तो इस केस में दोस्तों क्या होता है सदैव हानि होती है, और हानि क्या होती है दोस्तों, हानि होती है x²/100% की हानि होती है। ये फार्मूला याद रखिएगा, x² की जगह क्या रखेंगे दोस्तों, x की जगह यानी क्या रखेंगे दोस्तों, जितने परसेंट का लाभ हुआ और जितने परसेंट की हानि हुआ सेम है तो वो चीज रखेंगे, x की जगह 10 रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 100 और बटा का 100 ये परसेंट है, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल होगा, एक में आंसर आएगा दोस्तों इसका क्या 1%, क्या आएगा दोस्तों आंसर आएगा 1%, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर 1%, 1% क्या होगा दोस्तों हानि होगा। ध्यान दीजिएगा जब कभी भी दोस्तों दिया रहे दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पे x% का लाभ दूसरे पे x% की हानि, यानी कहने का मतलब है जितने परसेंट का वस्तु पे लाभ हो रहा है उतने परसेंट की हानि हो रही है, इस दशा में सदैव क्या होता है दोस्तों हानि होती है, और हानि कितने परसेंट की होती है x²/100% की हानि होती है, तो x²/100% का मतलब हो गया 1% आया, तो 1% की हानि, देखिए 1% की हानि किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाने के लिए इतना लिखे हैं, आप क्या करेंगे दोस्तों देखेंगे कितने परसेंट का लाभ और कितने परसेंट की हानि हो रही है, दोनों जगह समान है 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, 100 बटा 100, 100 से 100 कैंसिल होगा एक बार में, यानी सदैव हानि होगी तो 1% की हानि, डायरेक्ट आंसर देंगे बिना पेन उठाए आंसर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको करना क्या है दोस्तों हमसे जुड़े रहना है, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर दोस्तों करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर पहुंचाइए, और डेली आप क्या करिए दोस्तों 8 से 10 घंटे पढ़िए, मन लगा के प्रिपरेशन करिए, कहीं पर भी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके बताइए, उसको दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।